भूखी हथनी और बच्चा। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उन सभी जानवरों में एक हथनी भी थी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में उसे एक नन्हे हाथी को जन्म देना था और इसे पैदा होने में 22 महीने का समय लगता है। एक दिन हथनी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, अपने बच्चे के बारे में मन ही मन में बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तुम जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हो। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, रंगीन है। तुम जल्द ही बाहर आकर मेरा सहारा बनोगे। कितना मजा आएगा मेरे बच्चे। कुछ ही देर में हथनी की आंख लग गई और वो वहीं पेड़ की छाया में बैठी बैठी सो गई। उसके पेट से फिर से आवाज आई, उठो माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हथनी नींद से उठी और कुछ खाने के लिए निकल पड़ी। अब वो इधर उधर खाना खोजने लगी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कहीं भी खाना ना मिलने के कारण हथनी जंगल से बाहर चली गई, लेकिन वो जानती ना थी कि बाहर इंसान रूपी बड़े जानवर बैठे हैं। हथनी इंसानों की बस्ती में गई। वहाँ इंसानों ने उसको जो दिया उसने इंसानों पर भरोसा कर उसे खा लिया। उन्हीं इंसानों में से कुछ निर्दयी इंसान भी थे जिन्होंने उस हथनी को एक अनानास खिलाया। हथनी भूखी थी इसीलिए उसने फटाफट से वो अनानास खा लिया और जैसे ही उसने अनानास खाया उसके पेट में वो अनानास जो कि पटाखों से भरा हुआ था फट गया। हथनी बेचारी बेहोश तकलीफ में गिड़गिड़ाती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? ये क्या हो गया मुझे? मैंने क्यों किसी इंसान पर भरोसा किया? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हथनी दर्द से कराहती रही लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वो भागते भागते अपने जंगल में वापस पहुंच गई और एक तालाब के पास पहुंची। वो तुरंत तालाब के पानी में जाकर खड़ी हो गई। पानी में रहकर उसे थोड़ी राहत मिली। हथनी 2-3 दिन तक लगातार पानी में खड़ी रही। उसका मुंह पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो ना तो कुछ खा पाती थी और ना ही कुछ पी पाती थी। माँ, इंसान हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? है माँ, बताओ ना। इससे पहले कि हथनी कुछ कर पाती उसे आवाज आती है, माँ मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ माँ। हथनी समझ जाती है कि अब उसका बच्चा नहीं रहा। हथनी कुछ ही देर में अपनी अंतिम सांस ले लेती है। वो भी अपने बच्चे के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। मालती का जादुई नारियल। रघु समुद्र किनारे अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रघु बहुत गरीब था और खाने के लिए अक्सर समुद्र से मछलियां लाया करता था। सुनो जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ तो जरा मछलियां ही पकड़ कर ले आओ। अरे भगवान, मछली मिलती तो है नहीं और मेरा तो जाल भी फटा हुआ है। मेरी किस्मत की तरह अगर फंसती भी है तो निकल कर भाग जाती है। ऐसी बात है तो लाओ, मैं तुम्हारा जाल सिल कर देती हूँ। वह मालती, तुम तो बहुत समझदार हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। चलो बस अब तारीफ करना बंद करो और जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाओ। रघु समुद्र में मछली पकड़ने चला जाता है और मालती रोज की तरह पूजा पाठ में लग जाती है। हे प्रभु, सालों से मैं आपकी तपस्या कर रही हूँ, अब तो हम पर कृपा कर दो। तभी मालती के सामने एक देवता प्रकट होते हैं। कहो पुत्री, क्या चाहती हो? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। बस मेरी एक ही प्रार्थना है मेरी आपसे, ऐसी कृपा करो कि मेरे पति के पास काम भी हो और उससे हमें अच्छी आमदनी भी हो।
मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मुफ्त में कोई चीज नहीं चाहिए, तुम मेहनत से कमाना चाहती हो। ये समझदारी भी आप ही की देन है प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम और तुम्हारा पति जो भी काम करेंगे उसमें खूब धन पाओगे। उस दिन रघु को 4 मछलियाँ मिली। अरे वाह, आज तो 4 मछलियाँ फंसी है जाल में। मालती मछलियों को देखकर बहुत खुश होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे देवता ने भी दर्शन दिए हैं और उन्होंने हमें वरदान भी दिया है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हम बहुत तरक्की पाएंगे। अरे वाह, चलो इसी खुशी में आज मछलियाँ बनाते हैं। मालती ने जैसे ही मछली को काटा उसके पेट में से कुछ बीज निकले। अरे, मछलियों के पेट में ये बीज कैसे? यह तो नारियल के बीज हैं। मैं कल सुबह ही घर के बाहर इन्हें बो दूंगी। मुझे विश्वास है कि यह बीज हमें देवता की कृपा से ही मिला है। अगले दिन मालती ने वह बीज अपने घर के बाहर बो दिए। कुछ ही दिनों में मालती के घर के बाहर 10 बड़े बड़े नारियल के पेड़ लग गए। देखो रघु, मैं कहती थी ना कि ये बीज कोई आम बीज नहीं, देवता की कृपा से ही मिले हैं। देखो, कुछ ही दिनों में ये बीज कितने बड़े पेड़ में बदल गए और इनमें अब नारियल भी लग रहे हैं। तुम कल इन पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ देना। अगले दिन रघु ने उन पेड़ों पर चढ़कर सारे नारियल तोड़ दिए और नारियलों को बाजार में जाकर बेच दिया। यह नारियल इतने अच्छे हैं, इनमें पानी भी खूब भरा रहता है, इनके दाम भी हमें बहुत अच्छे मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अगले दिन जब मालती बाहर आई तो उसने देखा कि नारियल उन्हीं पेड़ों पर फिर लग गए हैं। अरे वाह, एक ही रात में फिर से इतने सारे नारियल हो गए, चमत्कार हो गया। अब रोज सुबह खूब सारे नारियल उन पेड़ों पर लगते और उन्हें बेचकर मालती और रघु अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। वे दोनों हमेशा दूसरों की मदद में लगे रहते और भगवान की भक्ति में भी। जादुई हाथी। आलमपुर में रामू नाम का एक महावत रहता था। उसके पास गजराज नाम का एक हाथी था। गजराज बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वह रामू के हर एक इशारे को समझता था। रामू भी उसका बहुत ख्याल रखता था। रामू गजराज को लेकर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने और बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर उन्हें जंगल से नीचे लाकर फैक्ट्री पर छोड़ दिया करता था। चलो भाई गजराज महाराज, काम पर चलने का समय हो गया, लो अपने गन्ने खाओ और काम पर चलो। रामू की हर बात का जवाब गजराज सूंड उठाकर दिया करता। रामू की और गजराज की दोस्ती की प्रशंसा सभी लोग किया करते थे। एक दिन जब रामू गजराज को लेकर जंगल लकड़ियां काटने ले जा रहा था तो वहां से आती मशीनों की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। गजराज के साथ बाकी हाथी भी मशीनों की आवाज सुनकर परेशान हो गए। यह देखकर रामू ने कहा, अरे गजराज महाराज, परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। रामू ने सभी महावतों से पूछा, अरे कमरू, तुम लोग हाथियों के साथ यहाँ क्यों खड़े हो, काम क्यों नहीं कर रहे? रामू, आज से हमारी छुट्टी ही समझो, देख नहीं रहे अब मशीनों से काम लिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग हाथियों पर जुल्म करते हैं और सभी हाथियों को एनिमल वेलफेयर वाले पकड़ कर ले जाएंगे। अभी सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर वाले सभी हाथियों को पकड़कर ले जाने के लिए आते हैं। सभी लोग अपने हाथियों को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन रामू गजराज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। क्या तुम इस हाथी के महावत हो? जी जी सर, ये हाथी मेरा है। ये हाथी मेरे बिना और मैं इस हाथी के बिना नहीं रह सकते। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूँगा और इस हाथी के साथ ही रहूँगा। तो चलो इसे चिड़ियाघर लेकर चलो, अब ये वहीं रहेगा। रामू मान जाता है। कई दिन बीत गए। एक दिन खूब बारिश होती है, जंगल को जाने वाली सड़क टूट जाती है। तभी जंगल की तरफ से शोर सुनाई देता है। क्या हुआ सर, ये शोर कैसा?
अरे तुम्हें नहीं पता, रात को काफी बारिश हुई है और पहाड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है। पेड़ों के नीचे काफी आदमी दबे हैं और मशीनें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सर सर, आप मुझे गजराज के साथ वहां जाने दीजिए, मैं एक एक करके सभी लोगों को सकुशल निकाल लूंगा, एक मौका तो दीजिए। मजबूरी में ऑफिसर रामू की बात मान लेते हैं। रामू गजराज को लेकर पहाड़ी पर जाता है और सभी पेड़ों को हटाकर नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लेता है। यह सब देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रामू कहता है, यह कोई आम हाथी नहीं, यह तो मेरा जादुई हाथी है, जादुई हाथी। सरकार गजराज और रामू को इनाम देती है और उन्हें खुले में रहने की इजाजत भी मिल जाती है।